हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम वार्षिक आकलन मार्च 2024 कक्षा 8 विषय विज्ञान करेंगे। टाइम है इसके लिए आपको जो दे रखा है वो 150 मिनट दे रखा है। अंक जो हैं 80 हैं। निर्देश आप देख लें। भाग के बहुविकल्पी प्रश्न, इसमें क्वेश्चन 1 to 15 हैं। सही उत्तर का चयन करके लिखें। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी कपास, डी उपरोक्त सभी। तो ऑल ऑफ द अबाव यानी उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। सेकंड पर चलते हैं। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है, तो वो है टाइफाइड। ऑप्शन ए आपका राइट है। थर्ड पर चलते हैं। किशोर अवस्था में व्यक्ति में किस प्रकार का विकास होता है? ए बौद्धिक, बी मानसिक, सी संवेदनात्मक, डी उपरोक्त सभी। तो डी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। फोर्थ पर चलते हैं। बंद कमरे में सो रहे व्यक्तियों के लिए कौन सी गैस हानिकारक है? विच गैस इज हार्मफुल फॉर पीपल स्लीपिंग इन क्लोज्ड रूम्स? तो ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। डी ऑप्शन राइट है। अब चलते हैं फिफ्थ पर। काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 6 है, तेल में लगी आग को किस अग्निशमन द्वारा बुझाया जाता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन ए राइट है इसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सेवेंथ पर चलते हैं। वनों को समाप्त करने को डैश कहा जाता है, तो वो कहा जाता है वनोन्मूलन, जिसे इंग्लिश में हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 8 पर चलते हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्रदीप्त पिंड। क्या कहते हैं? प्रदीप्त पिंड। 8 का सी जो है प्रदीप्त पिंड, वो आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? What do male and female gametes make together? Zygote. ऑप्शन ए राइट है। 11th पर चलते हैं। इनमें से कौन से परिवर्तन यौवनारंभ के दौरान नहीं होते? Which of the following changes does not occur during puberty? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी, रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज। 12th पे चलते हैं। कुएं से पानी खींचने कैसा बल है? What kind of force is there to draw water from the well? तो ये होगा अभिकर्षण यानी अट्रैक्शन। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। क्वेश्चन 13 है, तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति है? तो वो होगा सी, सरल रेखीय, रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर जो है वो आपका राइट आंसर है। 14 का जो होगा आवृत्ति का मात्रक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? वो होगा हर्ज, HERTZ। जो हर्ट्ज है वो आपका राइट आंसर है सी 14 का। 15th पर चलते हैं। इनमें से कौन विद्युत धारा का कुचालक है? तो वो है आसूत जल, डिस्टिल्ड वाटर। अब क्वेश्चन 16 है, दाब का मात्रक है, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। 17th है, अम्ल वर्षा के प्रमुख अम्लीय अवयव डैश और डैश हैं, द मेन एसिड कंपोनेंट्स ऑफ एसिड रेन आर सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। 18th है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ फीमेल जायकॉट एंड मेल जायकॉट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जिसे निषेचन कहते हैं। 19th पर है, एक प्राकृतिक परिघटना का नाम लिखें, नेम ए नेचुरल फिनोमेनन। तो वो भूकंप हो सकता है, सुनामी हो सकती है, बिजली कड़कना हो सकता है। 20th पर चलते हैं।
पेट्रोलियम का डैश नामक उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम्स प्रोडक्ट कॉल्ड विटामिन इज यूज फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। तो विटामिन जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 21 है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। बाय स्प्रिंकलिंग पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड फ्रिक्शन बिकम्स लेस। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः डैश गैस होती है। नेचुरल गैस मेनली कंटेन्स मीथेन गैस। तो मीथेन गैस यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 23 है, कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में ऋण आवेश उत्पन्न होता है। व्हेन ग्लास इज रब्ड विद सिल्क ए नेगेटिव चेंज इज प्रोड्यूस्ड इन द सिल्क। तो ये फॉल्स है, यहाँ पर पॉजिटिव चेंज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज की जगह। क्वेश्चन 24 है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं अभयारण्य कहलाता है। द एरिया इन विच एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड ए सेंचुरी। ट्रू, सही है ये। 25th, अप्रिय ध्वनि को डैश कहते हैं। अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज। तो अप्रिय ध्वनि को हम शोर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में साइंस के जो हैं 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।